अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी पोटैटो डोनट्स की रेसिपी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप चिकन डोनट्स को भूल जाएंगे। इतने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसकी शेप फिर इतनी इंस्पायरिंग होती है कि खाने वाला अगर इसको देख ले तो बिना खाए नहीं रह सकता। जब मैंने ये बनाए तो घर वालों से बहुत सारी तारीफें ली, तो मैं चाहती थी कि आप भी अपने घर वालों से बहुत सारी तारीफें लें, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं ताकि आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको आधा किलो आलू को मैंने बॉयल कर इसका जो छिलका है उसको पील कर लिया, और इसके बाद मैं इसे कद्दूकश से कश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे मैशर से मैश भी कर सकते हैं, और वरना आप इसको फोक से भी मैश कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन अगर हम इसको मैश करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है कि कहीं ना कहीं पे चंक्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो बेस्ट इज़ ये कि आप इसको कद्दूकश से कश कर लें। तो इसके लिए चाहिए आपको ग्रेटेड आलू आधा किलो, दो अंडे चाहिए आपको, प्याज चाहिए आपको एक चॉप्ड हुआ हुआ, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए एक टेबलस्पून, चावल का आटा चाहिए आपको एक कप, इसके साथ चाहिए हरा धनिया आधा कप बिल्कुल चॉप्ड हुआ हुआ, चार हरी मिर्चें चाहिए चॉप्ड हुई हुई, ब्रेड क्रम चाहिए आपको एक कप कोटिंग के लिए, इसी के साथ में यूज़ करेंगे सोया सॉस एक टेबलस्पून, चिली सॉस चाहिए आपको एक टेबलस्पून, काले मिर्च का पाउडर एक टेबलस्पून, नमक यूज़ करेंगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक, इसका पाउडर आपको चाहिए एक टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर एक टीस्पून। तो सबसे पहले आपने मैश हुए आलू के अंदर चॉप्ड हुए हुए प्याज ऐड करने हैं, इसके बाद चॉप्ड हुई हुई हरी मिर्चें, चॉप्ड हुआ हुआ हरा धनिया, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, काली मिर्च का पाउडर एक टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर एक टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर एक टीस्पून और मस्टर्ड पेस्ट एक टेबलस्पून। मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें डालूंगी चावल का आटा एक कप, एक टेबलस्पून सोया सॉस, एक टेबलस्पून चिली सॉस, और अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से हाथ की हेल्प से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत ज़्यादा मेन इन काम है इसमें, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्सिंग करनी है कि सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाए। तो मिक्सचर रेडी है, अब बनाएंगे इसके डोनट्स। तो आपने पहले हाथ को ऑयल से ग्रीस करना है, उसके बाद थोड़ा सा मिक्सचर लेके आप इसकी एक बॉल बना लेंगे, उसके बाद आपने इसको करना है टैप। अच्छे तरीके से आपने इसको राउंड करना है, कहीं पे भी कोई भी क्रैक नहीं रहने चाहिए, अगर क्रैक होंगे तो डोनट्स सही नहीं बनेंगे। किसी भी बॉटल की कैप को ले लेंगे और उसके बाद इसके सेंटर में रख के आप बहुत एहतियात से इसको निकाल लेंगे, और इस तरीके से आपका डोनट वाला शेप हो जाएगा एकदम रेडी। तो इस तरीके से सारे रेडी कर लेंगे, और अब आपने अंडों को जो है वो बीट कर लेना है और एक प्लेट में ब्रेड क्रम। तो सबसे पहले आप एक डोनट उठाएंगे और इसके बाद आप इसको एग के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से डिप कर लेंगे। अच्छे तरीके से डिप करने के बाद मैं इसे ब्रेड क्रम के अंदर कोट कर दूंगी। बहुत अच्छे से कोट करेंगे क्योंकि इससे ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका अंदर का मिक्सचर सही नहीं है, तो आप जो है वो ब्रेड क्रम अंदर भी ऐड कर सकते हैं और चावल का जो आटा है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, तो अब करेंगे इसे फ्राई। तो कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को कर लिया एकदम गरम, और इसके बाद मैं इसमें डोनट्स को कर लूँगी फ्राई। क्योंकि आलू बॉयल हुए हुए हैं, सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी ऐसी हैं जो कि हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट मैंने इसको कलर देना है। तो आपने हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन कलर आने तक, बोथ साइड से गोल्डन कलर आना चाहिए ताकि दिखने में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगे। और इसके बाद जैसे ही इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो आप इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक साइड से अच्छा सा और दूसरी साइड से भी कलर आ गया, तो मैंने वन बाय वन कर अपने डोनट्स को फ्राई करा और इसके बाद इसको निकाल लिया।
और अब इसको मैंने कर लिया है सर्व। आप इसको केचप, चटनी या फिर रायते के साथ सर्व करें। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करें।